देखिए भाइयों, माँ शक्ति आज स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है 361। और आज हमारे बीच में है आदरणीय जीएम अग्रवाल साहब, जो रिटायर्ड मेंबर ट्रिब्यूनल हैं। और आपका जो विषय है वो है श्री रुद्रम की चमत्कारिक शक्तियाँ पार्ट 5। इससे पूर्व भी आप पांच चार पार्ट ले चुके हैं। अब हम आदरणीय जीएम अग्रवाल साहब से निवेदन करते हैं कि अपना उद्घोष जारी करें। अग्रवाल साहब बहुत बहुत सभी को प्रणाम अभिनंदन। गुरु वंदना से मैं आज का सत्र प्रारंभ करता हूँ। ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मन्नाथासी जगन्नाथो मत गुरुस्त जगत गुरु, ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु सत्ता को नमन करते हुए आज और गणेश वंदना से इस सत्र का प्रारंभ किया जा रहा है। तो गणेश वंदना के रूप में एक मंत्र और पढ़ूंगा मैं कि ओम गणानां पा गणपति गुम हवामहे, कविम कवीनाम उपम सर्वस्तवम, ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पते, आनः शरणमन्नूत विस्तीर साधनम्। उस महागणेश को हम अपने हृदय में स्थापित करने का आवाहन कर रहे हैं जो हमारी बुद्धि को, हमारे विवेक को, हमारे ज्ञान को प्रकाशित करता है, उस गणेश की वंदना के साथ में, क्योंकि बगैर गणपति की कृपा के आगे कुछ संभव नहीं होता है। तो आज का सत्र जो है, आज हम श्री रुद्रम के 8वें अनुवाद के बारे में चर्चा करेंगे। और हमने केवल आज केवल 8वां अनुवाद ही लिया है। सामान्यतः हम 2 अनुवादों पर मंत्र पर चर्चा और व्याख्या करते हैं, लेकिन क्यों आज एक ही अनुवाद इसलिए लिया है कि ये अनुवाद जो है 8वां सबसे महत्वपूर्ण अनुवाद। और ये आप समझिए, एक तरह से जितना भी रुद्रम का है पाठ, उसका ये हृदय कहलाता है, सेंटर केंद्र बिंदु है ये। तो इस कारण से आज के मंत्रों का जो विषय है वो एक विशेष चिंतन का, विशेष आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और बहुत सावधानी से इस सत्र को सुनने का मैं अनुरोध करूंगा सभी लोगों से। इसका मनन करें, चिंतन करें, अभ्यास करें इसका। और इसके मंत्र जो है बहुत ही चमत्कारी मंत्र है, और इस कारण से इस सत्र को मैंने केवल इसी पर आज केंद्रित किया हुआ है। जैसा कि पहले भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में बता दूं जो लोग नए जुड़ते हैं, कि श्री रुद्रम है क्या आखिरकार। देखिए, हमारे 4 वेद हैं, चारों वेदों में 4 वेद प्रमुख हैं, जिन्हों की अपौरुषेय कहते हैं। अपौरुषेय का मतलब ये हुआ कि इन वेदों के मंत्रों की रचना किसी पुरुष के द्वारा नहीं की गई, अभी तो ये ऋषियों और मुनियों के ध्यान में, गहन चिंतन में जो चीजें उतर कर आई, उसको उन्होंने अपने शिष्यों को बताया, सुनाया उनको, और उन्होंने उसको कंठस्थ किया। तो ये एक तरह से ईश्वर की वाणी है, ईश्वर द्वारा प्रदत्त है ये। और इसी कारण देखिए, इतनी शाखाएं वेदों के होने के बावजूद भी कभी इस विषय पर कोई विवाद या कभी तो नहीं रहा कि साहब हमारा ये मंत्र सही नहीं है या इसको आपको इस तरह से कहना चाहिए। और वेद के मंत्रों में किसी प्रकार का कोई जो है आप सुधार संशोधन भी नहीं कर सकते, क्योंकि ईश्वर की वाणी में कोई संशोधन आवश्यक नहीं होता, ना इसकी अपेक्षा की जाती। तो ये मेरा कहने का आशय ये है कि ये वेद के मंत्र है जो श्री रुद्रम के माध्यम से हम आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। और ये वेदों में, जैसे यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद में भी करीब 101 शाखाएं हैं। 101 शाखाओं में 2 शाखाएं मुख्य मानी जाती हैं, एक कृष्ण यजुर्वेद और एक शुक्ल यजुर्वेद। तो कृष्ण यजुर्वेद की जो 33 संगता शाखा है, उसके अंतर्गत श्री रुद्रम के मंत्रों का वर्णन किया। इस 33 संगता में कुल 7 कांड हैं। 7 कांड में जो चौथा कांड है इसका, वो नमकम और चमकम के नाम से जाना जाता है, और जिसको कि हम रुद्रोपनिषद भी कहते हैं, और इसको हम श्री रुद्रम कहते हैं, सदरुद्रियम भी कहते हैं। तमाम तरह से इसकी चर्चा इसमें शास्त्रों में की गई है और इसका विशेष महत्व बताया गया है। तो इन दोनों का संयोग, नमकम और चमकम का जो संयोग होता है, वो श्री रुद्रम का पाठ कहलाता है। तो अभी हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, हमारे अभी 7 जो है अनुवाकों की चर्चा पूर्व सत्रों में हो चुकी है। आज जैसा कि मैंने बताया आपको, ये आज 8वें अनुवाक पर हम चर्चा करने जा रहे हैं।
इसमें यह आठवां अनुवाद क्यों विशेष महत्वपूर्ण है? इस अनुवाद में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नामक जो है जो पंचाक्षरी मंत्र है, उस मंत्र का भी जो है इसमें समाहित किया गया है। ये महान मंत्र है, ये ओम नमः शिवाय, ये ध्यान मंत्र है, ये तारण मंत्र है, और ये आपका हर प्रकार की रक्षा करने वाला मंत्र है। इस पर हम जैसे जैसे करेंगे चर्चा करेंगे। मैंने शर्मा जी को सभी जो मंत्र 17 मंत्र जिन पर चर्चा करनी थी मैंने उनको भेज रखे, हो सकता है कि उन्होंने आपको भेजा हो मंत्र, वो हमने भेज दिया। हाँ, तो भेजती है आप ऐसा मंत्र, तो मैं इसलिए भेज देता हूँ जिससे एक बार जब आप उनको अपने सामने रखें, जब मैं उनको बोलूंगा तो उनके उच्चारण करने में, उनको समझने में आपको परेशानी ना हो। वैसे भी आज देखेंगे, आज के मंत्र बहुत सरल मंत्र है लेकिन बहुत पावरफुल मंत्र है, इसलिए मैं बार बार आपसे आग्रह करता हूँ उस मंत्र को ध्यान से सुने आप। अब जैसे जब जैसे ही हम श्री रुद्रम की चर्चा करने का संकल्प लेते हैं, वैसे ही क्या होता है कि उसके सुनने वालों का, श्री रुद्रम को सुनने वाले की हर प्रकार की बाधाएं, कठिनाइयां और बीमारियों का निराकरण प्रारंभ हो जाता है। द मोमेंट यू जस्ट लिसन द श्री रुद्रम मंत्राश, जहां संकल्प लिया आपने कि श्री रुद्रम का पाठ करना है और श्री रुद्रम को सुनना है, उसी समय संकल्प मात्र से ही इसका यह कार्य प्रारंभ हो जाता है और हर समस्या का समाधान, कोई ऐसी समस्या नहीं है, कोई ऐसा रोग नहीं है, कोई ऐसी परेशानी नहीं है, चाहे भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, तीनों प्रकार के तापों का हरण करने वाला ये महान रुद्रम जो है, जिसका कि हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं। कहते हैं वेदों में लिखा गया है और शास्त्रों में लिखा गया है, पारस पत्थर है, जैसे पारस पत्थर को स्पर्श करने पर लोहा भी स्वर्णमय हो जाता है, वैसे भी आपका जो है ये मन जो है, आपका हृदय जो है स्वर्ण मन और स्वर्ण हृदय बन जाता है। ये कामधेनु का है, ये आपकी सभी आकांक्षाओं को पूरा करने वाला है ये रुद्रम। और क्या है ये? सभी प्रकार के वैभव, ऐश्वर्य, सुख, शांति, प्रगति और अनुग्रह अनुग्रह को तुरंत प्राप्त कराने वाला ये महान जो है ये रुद्रम का पाठ। कहते हैं यहाँ पे जैसे ही रुद्रम का पाठ प्रारंभ होता है तो आपके जो बॉडी का मॉलिकुलर स्ट्रक्चर है वो अलाइन होने लगता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। जो आपकी जो परमाणु जो है, जो एटम्स आपके इधर उधर भाग रहे हैं, जो आपका कंसंट्रेशन जो है वो लूज हो रहा है, वो आपका एक दिशा में चलने लगता है, आध्यात्मिक दिशा में चलने लगता है। तो ये मतलब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने देने का इसलिए प्रयास किया है जिससे रुद्रम को सुनने के पहले आपको किसी चीज के बारे में जब हम सुनते हैं उसके बारे में जानना चाहते हैं तो सबसे पहले मन में ये सवाल उठता है, प्रश्न उठता है कि भाई इसको सुनने से हमें क्या लाभ क्या होगा, हम क्यों सुने इस चीज को। तो इसलिए ये जानना जरूरी है कि रुद्रम कितना महत्वपूर्ण और कितना चमत्कारिक और कितना पावरफुल। रुद्रम का जो शाब्दिक अर्थ होता है, रुद्रम का मतलब क्या होता है कि रुतम संसार दुखम द्रावयतीत, वो रुद्रम संसार के समस्त दुखों को द्रावयतीत मतलब द्रवण करते, उसको द्रवीभूत करते, समाप्त करते, वो रुद्रम है। और रुद्रम करता क्या है? रुद्र जो है रौद्ररूप है, रौद्ररूप भी है, आपको दंड का विधान भी करता है। तो जो दंड का विधान करता है वही दंड का माफी भी आपको दे सकता है, इसलिए रुद्रम का महत्व अधिक हो जाता है। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं सबसे पहले अब रुद्रम के अष्टम अनुवाक के बारे में, जैसा कि बात हो रही थी अभी। ये कहा गया है कि बिना रुद्रम की कृपा से, कृपा के जितने भी देव हैं जो आपको अनुग्रह करने वाले हैं वो शक्तिहीन और निरर्थक है जब तक रुद्रम का उन पर अनुग्रह नहीं होता। और रुद्रम क्या करते हैं? हमारे अपराधों को उदारता पूर्वक क्षमा भी करते हैं। अगर हम रुद्रम की शरण में जाते हैं तो हमारे अपराधों को उदारता पूर्वक उनको समन करते हैं, उनको माफ करते हैं। और इससे इतना ही नहीं, हमें आत्मज्ञान, देखिए दो चीजें हैं, एक तो संसारिक सुख है और दूसरा हमारा आत्मज्ञान है जिससे कि हम आध्यात्मिक प्रगति कर सकें, मुमुक्ष की ओर जा सकें, मोक्ष की ओर जा सकें और संसार सागर की ओर, संसार सागर को आसानी से पार। तो जैसा कि मैंने बताया भी आपको कि इस अष्टम अनुवाक में पंचाक्षरी ओम नमः शिवाय महामंत्र जो है समाहित है अभी। और क्या है इसको? इसको जो अष्टम अनुवाक है इसको सर्वलोक उपास अनुवाक कहते हैं।
कर्मलोक उपास अनुवाक से क्या तात्पर्य हुआ? ये सभी कामनाओं को पूरा करने वाला है अष्टम अनुवाक केवल। आपकी जो चार पुरुषार्थ हैं, आपके चतुर्थ पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थों की पूर्ति करने वाला ये अष्टम अनुवाक है। ये आपका शत्रुओं का विनाश, धन वैभव साम्राज्य की प्राप्ति के लिए भी महान उपयोगी ये अष्टम अनुवाक के मंत्र। तो आज ये 17 मंत्र जो है अष्टम अनुवाक के एक एक करके हम लेंगे, उनका एक एक शब्द की व्याख्या करेंगे, उनके महत्व को प्रतिपादित करेंगे और जहां जहां आवश्यक हो गया तो उसके गुणों पर भी हम चर्चा। पहला मंत्र है नमः सोमाय च रुद्राय। बहुत सिंपल सा मंत्र है कि नमः सोमाय च रुद्राय च। अब देखिए नमः सोमाय च रुद्राय जी का क्या मतलब हुआ? सोमाय सा उमा, अगर इसका हम संधि विच्छेद करें तो सोम का मतलब हुआ साधन उमा, उमा सहित। उमा क्या है? रुद्र की या शिव की जो है वो पराशक्ति है, अर्धांगिनी है। देखिए आप कोई भी इष्ट का पूजन करें लेकिन जब तक आदि शक्ति का, जब तक पराशक्ति का की कृपा नहीं होगी, उनकी आराधना उनका चिंतन नहीं होगा, तब तक आप आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर सकते। तो आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए आपको शक्ति के रूप में, उमा के रूप में, दुर्गा के रूप में, किसी भी रूप में आपको उसका भी आवाहन करना पड़ेगा। तो ये मंत्र इसलिए भी महान है कि इसमें पहले का सा उमा, उमा के सहित रुद्र को नमस्कार किया गया, नमः सोमाय च रुद्राय। और क्या है इसमें? तो जब हम वैसे तो जब भी हम रुद्र का पाठ करते हैं तो उमा की शक्ति अपने आप उसके साथ जो है रहती है उसके साथ, लेकिन इस मंत्र में विशेष रूप से उमा का आह्वान किया गया है और शिव की, रुद्र की जो अर्धांगिनी शक्ति है, जो पराशक्ति है, जो आद शक्ति है, जो कुंडलनी शक्ति है, उसको उसका आह्वान करती है, उसका पूजन किया गया है, उसको नमन किया गया है, इसलिए इस मंत्र का विशेष रूप से महत्व हो जाता है। देखिए हमारी जो पुस्तक है रुद्रम और चमत्कारिक शक्तियां, उसका जो लोगो है, उसका जो मैंने लिखा है इसमें, उसमें नमः सोमाय च रुद्राय च इसी मंत्र को मैंने विशेष रूप से सबसे कवर पृष्ठ पर रखा हुआ है। तो इसलिए इस मंत्र को मैं जो बार बार इस पर एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि नमः सोमाय च रुद्राय च, ये दो मतलब एक तरह से दोनों हाथ में आपके लड्डू हैं इस मंत्र में। उमा की आपको कृपा भी मिल रही है और शिव और रुद्र का भी आपको इसमें उसकी कृपा का भी आप आह्वान कर रहे हैं। दूसरा क्या है उमा? उमा को जैसे उमा क्या है, ये प्रणव का भी वाचक है, ये ओंकार का वाचक है। और जैसे हम ब्रह्मनाद जो सृष्टि की जा सृष्टि की जो उदय हुआ, सृष्टि का जो प्रादुर्भाव हुआ, तो वो कहते हैं कि नाद ब्रह्म से हुआ, ओम शब्द से हुआ, ओंकार से हुआ। अगर उमा को आप लिखे UMA उमा, ठीक है ना, अगर आप उसको और ओम में क्या शब्द होते हैं AUM, तो AUM का ए शब्द उठा करके अगर आप पीछे रख दें इसको, सबसे लास्ट पर रख दें, तो वो उमा बन जाएगा। AUM ओम और UMA उमा। तो आपका उमा और पढ़ो ओम शब्द जो है, जब हम सोमाय जब शब्द कहते हैं तो उस उमा के साथ में आप नाद ब्रह्म का भी उच्चारण कर लेते हैं, तो एक साथ जो है दो दो आपके कार्य हो रहे हैं इसके साथ में, इस मंत्र के साथ में, तो इसलिए इसका विशेष महत्व और भी ज्यादा है। दूसरा क्या है? सोम, सोम कहते हैं चंद्रमा को, शीतलता को कहते हैं। नमः सोमाय च रुद्राय च, जब हम सोम का को नमा करते हैं, नमन करते हैं, तो हम अपने अंदर जितने भी हमारी उद्विग्नता है, हमारी जितने अंदर मानसिक अशांति है, उसका भी समन हो जाता है। चंद्रमा को जो है शंकर जी अपने चीज पर धारण करते हैं, क्योंकि इतना गरल उनके जो है यहाँ पर समाया हुआ है, तो उसको शीतलता प्रदान करने के लिए और चंद्रमा को मान देने के लिए भी उन्होंने उसको शीश पर धारण किया हुआ है। तो जब नमः सोमाय जब हम मंत्र का उच्चारण करते हैं तो हम सोम चंद्रमा का भी आवाहन कर लेते हैं साथ साथ में, और हमारे अंदर जो भी विकार है, जो हमारी उद्विग्नता है, जो हमारा क्रोध है, जो हमारी और भी निगेटिव शक्तियां हैं, उनको भी शांत करने का आवाहन कर लेते हैं।
और क्या सोम का मतलब है? सोम जो है, देखिए सोम को सोम यज्ञ करते थे, सोम रस का पान देवता लोग करते थे, जिसको कि बहुत महत्व दिया गया है वेदों में। तो ये सोम जो है उस सोम रस को भी आपको बताता है, जो कि अमृत प्रदान करने वाला है। तो इससे अमरता, इस मंत्र से आपको अमरता की भी प्राप्ति होती है। तो इस मंत्र का जो है नमः सोमाय च रुद्राय च, इसमें कई चीजें समाहित है एक साथ में। एक तो उमा की शक्ति समाहित है आपकी, आपको आत्मज्ञान और पराशक्ति का भी इसमें अनुभव हो रहा है। दूसरा आपको शीतलता और उद्विग्धता से शांत मिल रही है, और सोम रस जैसी अमरता भी इसमें प्राप्त हो रही है, और रुद्र की कृपा तो इसके साथ समाहित है ही। तो नमः सोमाय च रुद्राय च, इस महामंत्र को आप मन में जरूर चिंतन करें, जरूर मनन करें। अब इसको क्या, इसके लाभ क्या है इस मंत्र के? सांसारिक दुखों से छुटकारा पाने का और ज्ञान और मोक्ष प्राप्त करने का ये बहुत बड़ा मंत्र है। आपको सांसारिक दुखों से छुटकारा पाना है और ज्ञान और आध्यात्मिक प्रगति करनी है, तो इस एक मंत्र के माध्यम से आप जो है आप ये दोनों चीजें प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए इसका ये लाभ भी है। अब चलते हैं दूसरे मंत्र पर चलते हैं। दूसरा मंत्र है नमस्ताम्राय च अरुणाय च। अब देखिए सूर्य जो होता है भोर के समय, जब बहुत अर्ली मॉर्निंग होती है, उस समय उसका कलर कैसा होता है, उसका रंग होता कैसा? केसर के रंग का होता है। केसर का रंग मतलब ताम्र कलर का होता है उसमें। तो ये ताम्र कलर जब हम ताम्राय जब कहते हैं, नमस्ताम्राय च अरुणाय च, तो हम रुद्र को सूर्य के रूप में उपासना करने का उपक्रम करते हैं। भगवान रुद्र को जैसे कई अनुवाकों में आया है, वो तो हर चीज में विद्यमान है, कणकण में विद्यमान है, स्वामी और सेवक दोनों में विद्यमान है। तो ये ताम्राय सूर्य जो है वो साक्षात रुद्र का ही एक प्रतिनिधित्व करने वाला है। तो नमस्ताम्राय, उस रूप में रुद्र को हम नमस्कार कर रहे हैं जो भोर के प्रातःकालीन सूर्य के समान जो है, और उसका रंग कैसा है? ताम्र कलर का। ये भी कहा गया है, देखिए माया के जो गुण है, माया जो है जो कि सब पूरे संसार को अपने बस में रखती है, माया का मुख्य गुण जो है वो रजस गुण है, रजोगुण ही होती है माया ज्यादातर। और रजोगुण का जो कलर होता है, जो रंग होता है, वो ताम्र रंग होता है। तो जब हम नमस्ताम्राय कहते हैं तो हम उस माया, भगवान की माया को भी अभिनंदन करते हैं, उसको भी प्रणाम करते हैं। और दूसरा क्या है, ये महालक्ष्मी का भी द्योतक है। ये रंग जो है ताम्र रंग जो है, ये महालक्ष्मी का द्योतक, रजस रंग जो है, रजस जो गुण है, रजोगुण जो है, ये महालक्ष्मी का द्योतक है। तो जैसे मैंने पहले वाले मंत्र में बताया आपको, जब तक शक्ति का भी आवाहन नहीं करेंगे साथ में, तब तक जो है वो चीजें फलीभूत चीज से नहीं होती हैं। तो इसमें देखिए रुद्रम के मंत्रों में सब चीजें एक साथ, कई कई अर्थ एक साथ समाहित हो जाते हैं। तो नमस्ताम्राय में महालक्ष्मी की कृपा भी आपको साथ साथ प्राप्त होती है। अब दूसरा इसमें क्या है, नमस्ताम्राय च अरुणाय च। अरुणाय च, जब सूर्य को जब प्रातःकाल भोर के समय जैसे थोड़ा सा और समय बीतता है, तैसे उसका कलर क्या हो जाता है? वो अरुण रंग का हो जाता है, यानी सिंदूरी कलर हो जाता है। सूर्य को अरुण भी कहा गया है। तो जैसे जैसे सूर्य जो है समय बढ़ता है, तो वो अरुण कलर का, सिंदूरी कलर का हो जाता है। तो ये जो अरुण सिंदूरी कलर है वो किसका द्योतक है? ये महाकाली शक्ति का द्योतक हो जाता है। भगवान अपनी जो है तामसिक शक्तियां जो है, वो तामसी शक्तियां, ये मत समझिए तामसी शक्तियां खराब होती हैं। हर शक्ति का अपना महत्व है, चाहे सतोगुणी शक्ति हो, चाहे रजोगुणी शक्ति हो, चाहे तामसी शक्ति हो। अगर तामसिक शक्ति नहीं हो तो आप निद्रा नहीं कर सकते। निद्रा जो है आपको तामसिक शक्ति की वजह से ही आती है। तो ये जो महाकाली का रूप है, खास तौर से कलयुग में महाकाली का अभिनंदन करना बहुत आवश्यक है। तो ये जो आपका अरुणाय चा जो है, ये भगवान की विक्षेप शक्ति है, जिससे पूरा संसार आपको दिखाई पड़ता है। जैसे एक प्रोजेक्टर से आप जब पिक्चर देखने जाते हैं, तो वहां से प्रोजेक्टर से आपको पर्दे पर सब चीज दिखाई पड़ती है, ऐसी ये संसार है। ये भगवान का एक प्रोजेक्शन जो है, उसका उसका सब पूरा संसार है, उसी का प्रोजेक्शन है। तो ये विक्षेप शक्ति है महाकाली। तो इस नमस्ताम्राय च अरुणाय च, ये मंत्र जो है भगवान सूर्य के
दो रूपों को आपका दिग्दर्शन कराता है, एक तो सब घोर का कराता है और इसके बाद उसके थोड़े समय बाद कराता है। ये महालक्ष्मी शक्ति का आपको दिग्दर्शन कराता है, उसका रूप दिखाता है और महाकाली के रूप को दिखाता है। तो ये मंत्र भी बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है। ये अब हम तीसरे मंत्र पे आते हैं कि नमः संगाय चा पशुपतये चा। अब संगाय संग शब्द आया है इसमें, संग का अगर हम संग विच्छेद करें तो संग शक्ल नहीं नजर आ रही। शक्ल नजर नहीं आ रही बिल्कुल। हाँ ठीक है, अब नहीं है, आप भी आए, अब ठीक है। हाँ नमः संगाय चा पशुपतये चा, थोड़ा सा वो म्यूट हो गया था उसकी तरह से। तो संगाय का मतलब क्या हुआ? संग, सम धन गम और ऋच प्रत्यय लगा हुआ है इसमें, तो सम गम सब। आवाज आ रही ठीक है ना? हेलो, आ रही आवाज, आवाज सही है आपकी। अच्छा ठीक, तो सम गमयति, संग का मतलब हुआ सम गमयति। सम कहते हैं सुख को, जो सुख का स्रोत हो, जो सुख का जो है आधार हो, जिससे सभी सुखों को जो है जहां से निकलते हो, वो संग है। तो ऐसे संगाय, नमः संगाय चा पशुपतये चा। तो भगवान रुद्र क्या है? सभी सुखों के स्रोत है। सभी अगर सुख की आकांक्षा है, आपको सुख की प्राप्त करने चाहते हैं, तो नमः संगाय चा पशुपतये चा का मंत्र आप जाप करना चाहिए आपको, पशुपति। अच्छा दूसरा क्या है कि इसमें पशुपतये चा दूसरा इसका भाग जो है इस मंत्र का है, पशुपति के रूप में भी भगवान रुद्र को प्रणाम कर रहे हैं। पशु क्या होता है? जो बंधन में होता है, जो स्वतंत्र नहीं होता है, वो पशु है। यानी यहां से लेकर के जितने भी इस संसार में जीव हैं, ब्रह्मा से लेकर के जितने देवता हैं, ब्रह्मा से लेकर मनुष्य तक, मनुष्य की तो है ही पशु है ही वो, लेकिन ब्रह्मा तक जितने भी है, जिसको बार बार जन्म और मरण के चक्र में पड़ना पड़ता है, वो सभी पशु है। और पशु का कंट्रोल किसके ऊपर होता है? पशुपति के पास होता है, जो उसका कंट्रोलर होता है। तो केवल भगवान शंकर को, रुद्र को ही पशुपति कहा गया है और किसी देव को पशुपति नहीं कहा गया है। तो पशु पशुत्व से जो हमारा बंधनकारी जो हमारा जो रूप है, हमारा जो हम बंधन में है, यहाँ पर शरीर के बंधन में हमारी आत्मा, हमारी स्वतंत्र आत्मा नहीं है, तो इससे मुक्त हो पाने का एकमात्र उपाय जो है वो रुद्र का आवाहन। रुद्र का आवाहन नहीं सर, ये दो क्लियर सेट आपके, आपने दो सेट खोल लिया सर ये। हाँ इसको बंद कर दूं ना मैं, आप ठीक है? हाँ आप ठीक है, आप सही है। हाँ वो असल में वो भी खुला हुआ था ना हमारा, तो मोबाइल पे मैं ले लेता हूँ पूरा। ओके, तो पशुपति की जो बात हो रही थी कि जैसे गीता में भी आया है कि आब्रह्म भुवन लोका पुनरावर्तनो अर्जुन माम उपैत तो कौन ते पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि पूरे ब्रह्मा से लेकर जितने भी भुवन में जितने जीव हैं, वो पुनरावर्ती हैं, उनको बार बार जन्म लेना पड़ता है। और इस कारण से क्या है, ये सभी जितने भी हैं, ये सब पशु रूप में है, पशु बंधन रूपी है ये, इसलिए इनको बार बार जन्म लेना पड़ता है और केवल मुझको छोड़ करके बाकी सभी लोगों को जन्म के और मरण के चक्र से गुजरना पड़ता है। तो उस पथपथ के रूप में अगर हमको जन्म मरण के इस चक्र से निकलना है, तो हमको भगवान रुद्र की शरण में जाना पड़ेगा। तो ये ओम नमः संगाय चा पशुपतये चा इस मंत्र का जो है वो मैंने बताया आपको। फिर अगला मंत्र है नमः उग्राय चा भीमाय चा। उग्र किसको कहते हैं? जो भयंकर हो, क्रोध से भरा हुआ हो, वो उग्र है। तो पापियों को, विरोधियों को, दुष्टों को और जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं,
उनको विनाश करने के लिए भगवान रुद्र को उग्र रूप धारण करना पड़ता है। जितने भी देव हैं, इंद्र हैं, वरुण हैं, और भी जो देव हैं जो अपना अपना कार्य कर रहे हैं, वो भगवान की उग्र शक्ति के कारण ही कार्य करते हैं। देखिए, जब तक भय नहीं होता है तब तक लोग जो है अपना कार्य सुचारू रूप से नहीं करते। कहते हैं ना, भय बिन हुए न प्रीत, तो प्रीत भी जो है बिना भय के नहीं होती है। तो भगवान रुद्र जो है उनका एक उग्र रूप इसलिए भी है क्योंकि वो जितने भी नियंत्रक देव हैं और भी उनसे काम लेने के लिए वो सही सही प्रकार से अपना कार्य करते रहे तो उस भी उनको उग्र रूप धारण करना पड़ता है। और भीमाचा, भीम क्या है, जिसके दर्शन मात्र से विरोधी भयभीत हो जाए वो भीम रूप है। तो क्या है, जो विरोधियों में, पापियों में, दुष्प्रवृत्ति के लोगों में भय और आतंक पैदा कर सके वो भगवान का भीम रूप है। और क्या करता है ये भीम रूप और उग्र रूप, ये आपके पापों को, आपके रोगों को, आपकी समस्याओं को, इनका भी शमन करता है। ये भी आपके एक तरह से शत्रु ही है, ये आपकी दुष्प्रवृत्तियों को, तो इनको समर करने के लिए, इनका जो है नाश करने के लिए। हेलो, आवाज आ रही है ना, आपकी आवाज सही है, आवाज आ रही है सर, आवाज आ रही है, बढ़िया आ रही है आवाज। अच्छा, बीच में अगर ब्रेक हो जाए बता दीजिएगा। तो इनका समन करने के लिए आपको जो है नमो उग्राय चा भीमाय चा इस रूप में भगवान रुद्र का आवाहन कर रहे हैं हम लोग, उनका नमन कर रहे हैं, उनका पूजन कर रहे हैं। अगला मंत्र है नमो अग्रे बधाय चा दूरे बधाय चा। अब देखिए, अग्रे बधाय मतलब आगे बढ़कर के शत्रुओं का जो संहार करने वाला हो, अग्रे अभिमुखे स्थित्वा हन्ति, अग्र होकर के आगे बढ़कर के जो शत्रुओं का हनन करने वाला हो वो अग्रे बधाय है। तो अब देखा होगा राजा लोग जब सेना में जाते हैं तो सबसे पीछे रहते हैं, वो उनकी सेना, उनके सेनापति आगे रहते हैं, लेकिन भगवान रुद्र ऐसे नहीं है, वो तो आगे बढ़कर सबसे पहले फोर फ्रंटर है, वो फोर फ्रंट में जाकर के आपके शत्रुओं को विनाश करने वाले हैं। तो ऐसे भगवान रुद्र को जो है इस मंत्र में प्रणाम किया गया है। और क्या करते हैं, जब ये अविद्या का हनन भी करते हैं, आपकी माया, जो माया का जो आवरण आपके ऊपर छाया हुआ है उसका भी जो है उसको दूर करने वाले हैं। तो नमो अग्रे बधाय चा और दूरे बधाय चा। दूरे बधाय मतलब ये तो जो आपके सम्मुख शत्रु हैं, जो सामने दिखाई पड़ रहे हैं, उनका आप अग्रे बधाय होकर के, अग्र बढ़ करके उनका विनाश कर देंगे, लेकिन दूरे बधाय चा, जो दूर स्थित शत्रु है, जो अदृश्य है, जो भविष्य में आने वाली विपत्तियां हैं, जो शत्रु हैं, जो समस्याएं हैं, उनका भी विनाश करने वाले हैं। जब भगवान के रुद्र के शरण में जाते हैं और इस मंत्रों से, इन मंत्रों से भगवान का हम आह्वान करते हैं तो वो हमारी भविष्य की चिंताओं को भी समाप्त कर देते हैं। महाभारत में एक प्रसंग आता है कि अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि मैं देखता हूं कि आगे चल करके एक जो है बिल्कुल अग्नि के समान प्रचंड तेज वाला त्रिशूलधारी कोई व्यक्ति जो है हमारे शत्रुओं को, उनका विनाश कर रहा है, उनकी उनको मार रहा है, और उन्हीं शत्रुओं को बाद में जाकर के मैं मार रहा हूँ, ये क्या दृश्य है, इसके बारे में पूछे हैं। तो कृष्ण भगवान अर्जुन को बताते हैं कि भगवान रुद्र ही है जो मार रहे हैं, आप तो केवल एक निमित्त मात्र हो जो कि आप इन मरे हुए शत्रुओं को मार रहे हो। तो इसलिए जो है भगवान आपके रुद्र जो है आपके शत्रुओं का संहारक खुद ही है, वो आप तो बाद में एक निमित्त मात्र बन जाते हैं जो भी जिसको करना होता है। तो ऐसी शक्ति वाले, ऐसे महान गुणों वाले भगवान रुद्र को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, वो तो नमो अग्रे बधाय चा दूरे। तो इसमें क्या है, इस मंत्र का लाभ क्या है, इस मंत्रों को पढ़ने से, ये तीन मंत्र संख्या 3 से लेकर के और 5 तक के जो मंत्र हैं, आपके सभी प्रकार के शत्रुओं को, चाहे आपके सम्मुख शत्रु हो, तुरंत समस्या हो, वर्तमान में समस्या हो, या आपकी समस्या आने वाली समस्या हो, भविष्य में आने वाली समस्या हो, या शत्रु आपके आने वाले हो जिसको कि हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, जिसका अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, इन सभी का विनाश करने के लिए मंत्र संख्या 3 से लेकर 5 तक बहुत ही उपयोगी मंत्र है ये।
और सभी प्रकार के रोगों को भी विनाश करने वाले, क्योंकि रोग भी जो है आपके शत्रु ही है, ये किसी न किसी रूप में आकर के आपका जो है आपको कष्ट पहुंचाने वाले ये रोग भी आपके शत्रु है। अगला मंत्र लेते हैं कि नमो हंत्रे चा हनीसे चा। हंत्रे कहते हैं, हंता कहते हैं जो मारने वाला हो, सभी प्रकार के शत्रुओं को मारने वाला हो, चाहे वो अग्रे बधाए हो और चाहे वो दूरे बधाए हो, चाहे सम्मुख शत्रु खड़ा हुआ हो, चाहे दूर स्थित हो या भविष्य में आने वाला हो, वो सभी प्रकार के शत्रुओं को जो मारने वाला होता है वो हंता कहलाता है। अभिमान का नाश करने वाला जो होता है, जो भगवान रुद्र का अपमान करने वाला होता है उसको हंत करने वाला होता है। जैसे आपने देखा होगा कि रावण को अपमान ये हो गया कि वो बहुत बड़ा ज्ञानी है, बहुत बड़ा प्रतापी है, बहुत बड़ा बलशाली है, और उसने कैलाश पर्वत को उठाने का एक कुप्रयास किया, तो भगवान ने उसका जो है, भगवान शिव ने, भगवान रुद्र ने उसका अंगूठा मत दबाने से उसके अपमान को चूर कर दिया। तो ये जो हंत्रे जो शब्द जो आया है वो सभी प्रकार के शत्रुओं को हनन करने वाला है, आपके अभिमान को नष्ट करने वाला है। और हनी असे चा, हनी असे कहते हैं जो महान संहारक, जो एक साथ लाखों करोड़ों शत्रुओं को हनन करने वाला हो वो हनी असे है, महान संहारक। जैसे प्रलय काल में सामूहिक रूप से संहार करने की शक्ति जिसमें हो वो ऐसा देवता जो है वो हनीयसी है। तो ऐसे देव जो कम संख्या वाले शत्रुओं का भी विनाश कर सकता हो और एक साथ जो है कई शत्रु आपके साथ सम्मुख खड़े हो गए हो तो उनका विनाश करने वाला भी हो, तो ऐसे दोनों प्रकार के शत्रुओं का जो विनाश करने वाला हो वो नमो हंत्रे चा हनी। फिर अगला मंत्र आता है नमो वृक्षेभ्यो हरकेशेभ्या। देखिए वृक्ष के रूप में भगवान रुद्र को यहाँ नमस्कार किया गया है। तो वृक्ष क्या होता है, अभी देखिए कहता है इनके रुद्र रूप का अभी नमस्कार किया गया था कि अग्रे बधाए हंत्रे चा हनीयसे चा, अब क्या उनके उपयोगी रूप को हम नमन कर रहे हैं। वृक्ष क्या होता है, हमारे लिए बड़ा उपयोगी होता है, हमें ऑक्सीजन भी देता है, पलास है, बिल्व है, पीपल है और पारिजात है, तमाम नाना प्रकार के जो वृक्ष जो है भगवान के रूप में यहाँ पर उपस्थित है उन सभी के रूप में उनका नमन किया गया है, उनको प्रणाम किया गया है। और फिर कहते हैं हर केशेभ्यो नमः। हर केशेभ्यो मतलब जो पत्तियां जो है वृक्ष की, जैसे एक संसार वृक्ष होता है और संसार वृक्ष का जो है जो पत्तियां जो होती हैं वो जब तक पत्तियां रहती हैं वृक्ष में तब तक वो वृक्ष जो है हरा भरा रहता है, तो उसकी रक्षा करने वाला है। इसी तरह जो है भगवान जो है, भगवान रुद्र जो है वो केशेभ्या पत्तियों की तरह, वृक्षों की पत्तियों की तरह इस संसार वृक्ष की रक्षा करने वाले हैं। तो नमो वृक्षेभ्यो हरकेशेभ्यो नमः। फिर क्या आता है नमस्ताराय। ताराय शब्द का मतलब होता है प्रणव, ओंकार शब्द को तार भी बोलते हैं, तारा भी बोलते हैं। तो ये जो है परमेश्वर कैसा है, शब्द ब्रह्म है, नाद ब्रह्म है, आदि शब्द है, उस रूप में भगवान रुद्र को यहाँ प्रणाम किया गया है, नमस्कार किया गया है। और दूसरा इसका अर्थ क्या है, नमस्ताराय का जो तारने वाला हो, संसार सागर से, भव सागर से जो उस पार लगाने वाला हो, आपकी नौका को उस पार ले जाने वाला हो, ऐसे भगवान रुद्र को इस मंत्र में नमस्कार। अब देखिए अगले जो तीन मंत्र आ रहे हैं 9, 10 और 11, ये बहुत ही मतलब ये जिस्ट है समझिए इस पूरे अनुवाद के, और इस पर विशेष ध्यान मैं चाहूंगा कि 9वां मंत्र है नमः संभवे चा मयो भवे चा। संभू शब्द जो आता है, संभवे आपने सुना होगा कि सम धन भू धातु, जो सम कहते हैं सुख को देने वाला हो, और भू माने भाव अतीत, संसार के सुखों का जो कारण हो वो संभू है। संभू कौन है, जो सभी संसार के जितने प्रकार के सुख हैं सबको देने वाला हो, उसका स्रोत हो, उसका कारण हो, वो संभू है। तो जब नमः संभवे हम जब कहते हैं तो सांसारिक सुखों को उनका प्रदाता जो है, आपको सांसारिक सुखों की प्राप्ति अपने आप होने लगती। और मजो भवेचा, मजो भवे का मतलब क्या, ममस मयस धन भू, मयस कहते हैं आनंद को और भू माने देने वाला। तो सुख और आनंद में देखिए बहुत अंतर है। सुख जो होता है वो सांसारिक होता है, आपको पैसा मिल गया, आपको अच्छी संतानें प्राप्त हो गई, अच्छे मकान प्राप्त हो गए, अच्छा पद प्राप्त हो गया,
ये सब सांसारिक सुख हैं, लेकिन आनंद जो है वो आपको आध्यात्मिक जब प्रगति होती है, जब आत्मा के स्रोत पर आप पहुंचते हैं, जब आत्मज्ञान होता है, तब आपको आनंद की प्राप्ति होती है। तो ये देखिए मंत्र जो है दोनों प्रकार के सुख दे रहा है। ऐसा नहीं है कि आप जो है केवल संसारिक सुखों को, जब आप भगवान का भजन करते हैं तो आप कहें केवल आध्यात्मिक सुख प्राप्त हो रहा है हमको, आपको दोनों प्रकार के सुख प्राप्त हो रहे हैं। संसारिक सुख की प्राप्ति भी हो रही है और साथ साथ आपको आध्यात्मिक प्रगति भी हो रही है। तो ये मंत्र बहुत ही पावरफुल मंत्र है, क्रमश भवेचा मयो भवेचा, आपको दोनों चीजें प्राप्त हो रही है इसमें, सुख और आनंद दोनों की प्राप्ति के लिए, और भौतिक और पारलौकिक दोनों आपको प्राप्तियां इसमें हो पा रही है। ये नमः भवेचा मयो भवेचा, ये महान मंत्र। अगला मंत्र क्या है, नमः शंकराय चा महेश्वराय चा। ये पहला वाला मंत्र जो है उसमें भू धातु का प्रयोग किया गया है और इसमें क्री धातु का प्रयोग कर दिया गया है। बात वही है, दूसरे ढंग से इसको कहा गया है कि नमः सम धन क्रा, जो सुख को करने वाला है वो नमः शंकराय है, वो शंकर है। शंकर कौन है? जो सुख को देने वाला है, करने वाला है, सुख की जितने भी साधन है उनको प्राप्त कराने वाला जो है वो आपका शंकर है। और महेश्वराय, इसी तरह से महेश्वराय क्या है, जो आनंद को देने वाला है। तो इसमें जो शंकर क्या कहता करता है, माता पिता की तरह आपको, जैसे माता पिता आपको सब तरह के भौतिक सुखों की प्राप्ति कराते हैं, उसी तरह से शंकर नामक जो शक्ति है, शंकर का जो रूप, भगवान रुद्र का रूप जो है, वो माता पिता की तरह आपकी रक्षा करता है, आपके सभी सुख साधनों की, वो सुख साधनों की प्रबंध करता है वो आपका। और महेश्वराय से क्या मतलब है, जैसे आचार्य है, गुरु है आपका, वो क्या करता है आपका, आपकी आध्यात्मिक प्रगति में आपका सहायक होता है, आपको देखता है कैसे आपको जो है आप उच्च स्तर पर जा सकते हैं, उत्तरोत्तर आप कैसे प्रगति करेंगे, इसका साधन सुलभ कराता है, वो महेश्वराय है। तो ये दोनों मंत्र जो है, नमः समवे चा मयो भवे चा, नमः शंकराय चा महेश्वराय चा, ये दोनों मंत्र जो है ये बहुत अच्छे मंत्र है, आपको सुख और आनंद दोनों की प्राप्त कराने वाले हैं, भौतिक सुख और आध्यात्मिक सुख का स्रोत बताने वाले हैं दोनों मंत्र। और अगला मंत्र तो ये आप समझिए कि ये पूरा हृदय जो उन्होंने बताया था आपको कि नमः शिवाय चा शिव तराय, नमः शिवाय, ये पंचाक्षरी मंत्र जो है इसी रुद्रम के इस अष्टम अनुपाक से लिया गया है, जो पूरे पूरे ब्रह्मांड में, पूरे सभी लोगों में बहुत पॉपुलर मंत्र है और बहुत पावरफुल मंत्र है, पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय। नमः शिवाय का क्या मतलब हुआ, शिव का क्या मतलब हुआ, तो कहते हैं कल्याण को, कल्याणकारक जो हो, हर तरह से आपको कल्याण देने वाला हो वो शिव है, जो आपको शुभता प्रदान करने वाला हो, आपके लिए हर तरह से शुभ हो वो शिव है, जो शुद्ध हो, जिसमें जरा भी, जिसे निष्कलमशता ना हो, जरा भी अशुद्धि ना हो, वो शुद्ध है, पूर्णता शुद्ध है, पूर्ण है वो। और क्या है, रज तम और सत्वगुण, रजोगुण तमोगुण से जो परे हो वो शिव है, जो पूर्ण आनंद का स्रोत है वो शिव है। और इसी इतना सब करने के बाद बावजूद भी इसी में जो निर्लिप्त ना होता हो वो शिव है। तो जब हम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हैं, नमः शिवाय जप करते हैं, तो आप समझिए कि आपके चारों तरफ, आपके अंदर बाहर और पूरे वातावरण में आपकी शुभता, कल्याण और शुद्धि का जो है प्रादुर्भाव होने लगता है। नमः शिवाय इतना मंत्र पावरफुल मंत्र है। ये आप समझ लिए एक तरह से, जब नमः शिवाय कहते हैं तो एक अमूल रत्नों की, एक मणियों की माला, एक लॉकेट इसमें है पड़ा हुआ, वो आपका गले में पड़ जाता है अपने आप। ये पूरे रुद्रम का, पूरे वेदों का समझिए आपके केंद्र बिंदु है ये नमः शिवाय। सारे जितने ज्ञानी ध्यानी जितने में है, दानव धनुज मनुज देवता किन्नर गंधर्व, इस महामंत्र का जाप करके बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर चुके हैं। इसको आप साधारण मत समझिए, बहुत छोटा सा मंत्र है नमः शिवाय, लेकिन ये महान मंत्र है। इसको आप जरूर अपनाइए, इसको जरूर इसका सेवन करिए और अपने प्रयोग में लाइए। कहते हैं कि सभी विद्याओं में, सभी ज्ञान में वेद सर्वोच्च माने गए, और सभी वेदों के मंत्रों में ये रुद्रोपनिषद जो 11 अनुवाद जिसका हम चर्चा कर रहे हैं उसकी महत्ता दी गई है। अगर सबसे महानतम कोई चीज है वेदों में तो रुद्रोपनिषद के 11 अनुवाद बताए गए।
और इस 11 अनुभागों में अगर कोई अनुभाग सबसे श्रेष्ठतम है तो ये अष्टम अनुभाग जिसकी चर्चा आज की जा रही है, ये अष्टम अनुभाग सबसे श्रेष्ठ अनुभागों में से माना गया। आवाज आ रही ना हमारी? जी साहब आ रही है। हाँ सर, आवाज आ रही है, बहुत क्लियर सर। क्योंकि छोटा स्क्रीन है इसलिए थोड़ा सा कभी कभी डाउट हो जाता। तो ये मैं कह रहा था कि ये जो आपका जो है अष्टम अनुभाग सभी 11 अनुभाग जो है श्री रुद्रम के उसमें सबसे श्रेष्ठ अनुभाग माना गया है। और अष्टम अनुभाग के जितने मंत्र हैं उसमें ये नमः शिवाय चा शिवतराय चा मंत्र ये सबसे महान मंत्र है। और इसमें भी नमः शिवाय भी नहीं कह सकते हैं तो आप शिव शब्द दो शब्द ही कह लीजिए, ये भी महान कल्याणकर है। तो आप जैसे अभी रुद्रम पे चर्चा इतने बार हो चुकी है, लोग पूछते हैं कि साथ इतना मंत्र आप बता देते हैं, हम तो इसका याद भी नहीं रख पाते हैं। तो आप केवल अष्टम अनुभाग का अभ्यास करना शुरू कर दीजिए, और अष्टम अनुभाग का भी नहीं कर पाते तो हम नमः शिवाय शिव तराज का करना शुरू कर दीजिए, ये भी नहीं कर पाते तो हम नमः शिवाय का ही अभ्यास करना शुरू कर जाते, ये भी नहीं कर सकते तो शिव शिव ही कहना शुरू कर दीजिए। तो इतने उपाय बता दिए जाते हैं कि जो जिसकी सामर्थ्य हो, जितनी शक्ति हो, जितनी श्रद्धा हो उसके हिसाब से करे। भगवान ने इतने साधन उपलब्ध करा दिए हैं कि कोई साधन पकड़ लीजिए। तो ये जो तीन मंत्र है, नमः शंभवे चा मयो भवे चा नमः शंकराय चा महेश्वराय चा नमः शिवाय चा शिवतराय चा, अब कह रहे हैं शिवतराय चा। देखिए नमः शिवाय हो गया, शिवतराय चा। शिवतराय क्या है? जो शिव से अतिशयेन शिवः अशिवतराय, जो थोड़ा सा और बढ़कर हो भाई। जैसे लोगों की इच्छा होती है ना, चाहे कितना दे दो फिर भी कहते हैं सर थोड़ा सा और हो जाए, जरा ज्यादा अच्छा रहेगा, और थोड़ा सा मिल जाए हमको, है ना, दिल मांगे मोर। तो उसके लिए जो है उन्होंने कहा कि आपको और चाहिए तो शिव तराय चा, मतलब और शिव से थोड़ा सा, मतलब और शिव का जो बृहद रूप है वो आप इस मंत्र से प्राप्त कर लीजिए। मतलब वही है, सब चीजें वही है, लेकिन अतिशयेन शिवाय शिव तराय, शिव तमा शब्द भी इस्तेमाल आया है आपने मंत्रों में देखा हो। तो शिव है, शिव तराय, शिव तमा, तो लोग अलग अलग ढंग से उसकी पूजन करते हैं, उसका रूप का धारण करते हैं अपने अंदर। फिर है नमस्तीर्थाय चा कुल्याय चा, तीर्थों के रूप में भगवान रुद्र को यहाँ नमस्कार किया गया है। तीर्थ इसको कहते हैं जिससे आपको आध्यात्मिक अनुभूत हो, वो तीर्थ है। तीर्थ पर जाकर के आपको एक वाइब्रेशन जब तक नहीं हो कोई, तो वो तीर्थ की परिभाषा यही है, तीर्थ का स्थान का महत्व ही यही है। जहां पहुंचकर हम लोग तीर्थ यात्रा क्यों करते हैं, घर में भी तीर्थ है, लेकिन जब जाते हैं तो वहां पर एक अलग एक वाइब्रेशन होते हैं, एक अलग उसका वातावरण होता है। तो जब अनुभूत होने लगती है, आत्मज्ञान की आध्यात्मिक अनुभूत होने लगती है, तो तीर्थों के रूप में भगवान रुद्र को नमस्कार किया गया यहाँ पर। और दूसरा क्या किया गया है, कुल्याय चा, कुल कहते हैं नदी के किनारे को। नदियों के किनारों में ज्यादातर देखा होगा आपने शिवलिंग, जैसे कावेरी है, नर्मदा नदी है, इसके आसपास शिव मंदिर बने रहते हैं। तो कुल्याय चा मतलब तीर्थाय चा, कुल्याय चा, नदियों के किनारे में, तीर्थों के किनारे में जो आप वास करते हैं रुद्र रूप के रूप में, उन सभी रूपों में आपको हमारा नमन है, हमारा प्रणाम। फिर अगला मंत्र है नमः पर्याय चा वार्याय चा। अब देखिए पर्याय का मतलब होता है उस पार जाना। तो ये संसार सागर जो है, ये भव सागर है, ये पार जाने का जो सबसे साधन, अच्छा साधन है वो रुद्र है। तो इस मंत्र में कहा गया है जो मुमुक्ष है, जो मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले लोग हैं, उनके लिए कहा गया है कि मैं मोक्ष की अभिलाषा रखने वाला हूँ और आप जो है संसार सागर से पार कराने वाले हैं, इसलिए नमः पर्याय चा वार्याय चा। और वार्याय चा, वार्याय चा, अवार्याय, इसका जस्ट उल्टा हो गया। जो इस पार ही रहना चाहते हैं, जो संसारिक सुखों का भोग करना चाहते हैं, तो संसारिक सुखों का भोग करना चाहते हैं उनके लिए भी रुद्र आश्रय है, और जो संसारिक सुखों को भोग करने के बाद उस पार जाना चाहते हैं, मोक्ष की तरफ जाना चाहते हैं, उनके लिए भी भगवान शंकर का जो है, भगवान शिव का, भगवान रुद्र का जो है वो। तो ये जो है नमः पर्याय चा वार्याय चा। अगला मंत्र है नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय चा। देखिए इसमें जो है तरणाय शब्द जो आया है वो भी तारण मंत्र है, तारने वाला है, आपको उस पार लगाने वाला है, संसारिक दुखों से तार करने वाला है, पार करने वाला है।
और इसमें प्रा उपसर्ग लगा दिया गया। प्रा कहते हैं सबसे सबसे उत्तम। आप जैसे किसी आपको समुद्र पार करना है, किसी जाना है, किसी नदी को पार करना है, या कोई आपको यात्रा करनी है किसी प्रकार की, तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे जो अच्छा साधन होगा, सर्वोत्तम साधन होगा, उसको आप तलाश करेंगे। तो ये भगवान शिव जो है, भगवान रुद्र क्या है, संसार सागर से पार करने के लिए, कष्टों से पार करने के लिए, भव सागर से दूर जाने के लिए सबसे सर्वोत्तम साधन है ये। और विशाल लहरों का सामना करना हो, तूफान आ रहे हो, तो आप कोई अच्छा जो जो आपका जिसमें आपको विश्वास हो कि भाई ये सबको पार कर जाएगा, उसको पकड़ेंगे आप, कोई छोटी नाव नहीं पकड़ेंगे आप। तो ये ऐसा जलयान है, ये सुदृढ़ जलयान है भगवान रुद्र जो है, जो आपको निश्चित रूप से उस पार लगाने वाला है। और चोत्तरणाय चा, मतलब उत्तरणाय, मतलब उत्थान करने वाला भी है, आपको प्रगति देने वाला है, आध्यात्मक की सीढ़ियों पर चढ़ाने वाला है। धीरे धीरे आप आध्यात्मिक सीढ़ियों पर चढ़ते जाएंगे भगवान रुद्र का आश्रय लेकर के, और अविद्या के सागर से भी पार हो जाएंगे, और अविद्या रूपी जो आपका जो आवरण है उससे भी आप जो उसको छिन्न भिन्न करने के लिए सक्षम हो जाएंगे, ऐसा जो है। और इस मंत्र का एक प्रभाव और भी है, अगर किसी आप समुद्री यात्रा में जा रहे हैं और उसमें अगर ये कोई तूफान आ जाए, चक्रवात आ जाए, या नेवी में जो काम करने वाले हैं, या समुद्र में जो मछुआरे लोग काम करने वाले हैं, उनको अपनी जेब में अपने पास ये मंत्र जरूर रखना चाहिए, इकनमा पितरणाय चोत्तरणाय चा। तो आपको कभी इस तरह की बाधा आ जाए तो इस मंत्र का जाप करने से आपको निश्चित रूप से इसमें जो है आपकी मुसीबतें, आपकी कष्ट जो है दूर हो जाए। दो तीन मंत्र और रह गए, उस बात समाप्त कर रहा हूं मैं कि नमा आतार्याय चालाद्याय चा। आतार्याय कहते हैं जो पुनरागमनम आता रहा, जो बार बार हम उस बार पहुंच गए हैं, फिर भी हमारे जो कर्म फल शेष रह जाते हैं, संसार सागर से तो पार हो गए, लेकिन फिर हमारे कुछ कर्म फल शेष रह गए, कुछ हमारी आकांक्षाएं रह गई, कुछ मोह माया रह गई, तो फिर हम इस पार आना चाहते हैं, वो आतार्याय है। तो शेष कर्म भोगने के लिए जिन्हें बार बार संसार में आना पड़ता है, ज्ञान के अभाव में या जो भी कारण रहे हों, उनको भी पार लगाने वाला ये मंत्र जो है, नमा आचार्याय चालाध्याय चाह। और चालाध्याय कहते हैं कि भूयो भूयो संसार सागरे, वो जो बार बार आने वाला है, दोनों का करीब करीब एक ही अर्थ होता है इसमें, कि बार बार संसार पार होने के बावजूद भी बार बार आने का जो एक साधन बन जाता है, जो इच्छा जागृत हो जाती है, उस इच्छा को भी समाप्त करने वाला जो भगवान रुद्र का आश है जो है इस मंत्र में समाहित। अगला मंत्र है नमा सस्प्याय चाफेन्याय चा। सस्प्याय कहते हैं जो घास होती है, मुलायम जो घास, दुर्वा घास होती है, तिनका जिसको कहते हैं, छोटा जो है, कमजोर, एक घास के तिनके के रूप में भी भगवान रुद्र को यहाँ प्रणाम किया गया। देखिए कितनी महान इसमें विद्या, महान संदेश छिपा हुआ है कि आप किसी को कमजोर मत समझिए, किसी को छोटा मत समझिए, क्योंकि भगवान शिव जो है, भगवान रुद्र जो है, वो तिनके में भी उसकी शक्तियां समाहित हैं, उस रूप में भी वो समाहित है, तो उसके रूप में भी उसको नमस्कार किया गया है। फिर अगला शब्द क्या है, नमा फेन्याय चा। फेन कहते हैं किसको, जो झाग होता है समुद्र में, पानी में जो झाग होता है, बुलबुला उठ जाता है, फेन उठ जाता है, क्षणभंगुर होता है, उसकी लाइफ बहुत थोड़ी होती है। हमारा जीवन भी इसी प्रकार से है कि पानी केरा बुदबुदा आसमान की जात, देखत ही छिप जाएगा जो तारा प्रभात। तो ये जो फेन न्याय के रूप में जो भगवान फेन के रूप में जो है, झाग के रूप में है, वो क्षणभंगुर है। वो ये संदेश देना चाहते हैं कि जीवन क्षणभंगुर है, ये बहुत तुच्छ जीवन है, तो इसमें भगवान का भजन, भगवान रुद्र का आश्रय ले लीजिए, तो आपकी नौका पार हो जाएगी। फिर लास्ट मंत्र है कि नमः शिकत्याय चा प्रभायाय चा। ये मंत्र भी बहुत अच्छा है, इसका मैं बताऊंगा भी आपको। शिकत्याय सिकता कहते हैं बालू के कणों को, तो बालू के कण भी बहुत छोटे छोटे होते हैं, देखे आपने, वो इधर से उधर घूमते रहते हैं, तो बालू के कणों में भी भगवान रुद्र का निवास है, तो उन बालू के कणों के रूप में भगवान रुद्र को हम नमन करने के लिए इस मंत्र में आह्वान करते हैं। और प्रभायाय चा, पानी का जो प्रवाह है, जो बहता पानी है, उसमें भी भगवान रुद्र का वास है, तो नमः शिकत्याय चा प्रभायाय चा का मतलब है कि बालू के रूप में, बालू के कणों के रूप में, और बहते हुए पानी के रूप में भगवान को, रुद्र को हम नमस्कार करते हैं। अब देखिए इस मंत्र में आजकल जैसे किडनी में स्टोन्स हो जाते हैं या कहीं भी स्टोन्स हो जाते हैं, खासतौर से किडनी के स्टोन्स के लिए ये मंत्र बड़ा प्रभावकारी है। देखिए आप जो अपना
जो भी आप पैथी से इलाज कर रहे हैं वो तो इलाज कराइए, उसको बंद मत करिए। आपका किडनी में स्टोन्स हो जाते हैं ये मत सोचिए कि, लेकिन इस मंत्र को साथ साथ पढ़ने से क्या है, आपका रोग जो है वो जल्दी ठीक होगा। आप किसी ऐसे डॉक्टर के पास पहुंच जाएंगे जो आपके मर्ज को ठीक से पकड़ सकेगा, आपकी दवाइयां आपको ठीक से लगने लगेंगी। सिकत क्या है, जैसे क्या होता है बालू के कणों की तरह से जो है ना, आपको किडनी में स्टोन्स जो होते हैं वो भी एक तरह से बालू के कणों के रूप में ही होते हैं। और प्रभाव या चा पानी जैसे बहा ले जाता है बालू के कणों को, तो इस मंत्र के पढ़ने से आपके किडनी के जो स्टोन्स हैं वो बह जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे पेशाब के रास्ते से। तो किडनी स्टोन्स के लिए बहुत ही प्रभावकारी मंत्र है ये। नमः शिकत्याय चा प्रभायाय चा, कभी किडनी में स्टोन्स हो जाए तो दवा के साथ साथ इस मंत्र का भी आप जो है सेवन करें तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और इसमें एक प्रश्न और लूंगा मैं, ये अनियमित जैसे मासिक स्राव हो जाता है तो उसमें जो मंत्र संख्या 13 से लेकर के और 16 तक जो मैंने बताया आपको, नमः पार्याय चा वार्याय चा, नमः पितरणाय चोत्तरणाय चा, नमः आतार्याय चालाद्याय चा, नमः शस्याय चा तेन्याय चा, तो ये अनियमित मासिक धर्म जो लेडीज को ज्यादातर हो जाता है। आवार्याय कहते हैं अनियमित को, देखिए इसमें कई शब्दों का कई अलग अलग मीनिंग छिपी रहती है। और तीर्थाय तीर्थ कहते हैं मासिक धर्म को, जैसे धर्म धर्म का स्थल होता है तैसे तीर्थाय का मतलब मासिक धर्म ही होता है। और कुल्याय कहते हैं जीवंती नामक एक जड़ी बूटी होती है जो पंसारी की दुकान में मिल जाती है ज्यादातर, कुल्याय जीवंती नामक जड़ी बूटी होती है। और सस्प्याय कहते हैं जैसे मैंने बताया कोमल घास, दुर्वा घास कहते हैं। और फिर न्याय कहते हैं पानी में उबाला हुआ जो चावल का जो माड़ होता है वो। जो अनियमित मासिक धर्म हो जाते हैं या प्रदम रोग हो जाता है उसमें जीवंती नामक जड़ी बूटी और उसमें जो है घास, दुर्वा घास और माड़, इनका सेवन करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। इन मंत्रों में जैसे मैंने बताया कि औषधियां भी छिपी रहती है मंत्रों के साथ साथ, तो आध्यात्मिक और भौतिक दोनों लाभ इस मंत्र में छिपे हुए हैं। तो ये आज आपका आठवां जो अनुवाद है मैं इसको समाप्त करने की आपसे अनुज्ञा लूंगा। और बहुत बहुत आपका धन्यवाद जो आपने ध्यानपूर्वक हमको सुना, और इसका सेवन करें जरूर आप। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद आदरणीय जी महाराज साहब, आज आपने श्री रुद्रम की चमत्कारी शक्तियों का पार्ट 5 लिया। अब हम सबको अनम्यूट कर रहे हैं और इस संबंध में जिस किसी कोई जिज्ञासा हो तो आदरणीय जी महाराज साहब से पूछ सके। हमने अनम्यूट कर दिया। हाँ, जरा काला साहब जरा अपना मंत्र अपना जरा दर्शन जो है जरा स्पष्ट करें कि संशय किस तरह का संशय उत्पन्न हो रहा है आपको। अग्रवाल साहब एक मंत्र ओम जो है, इस ओम से सारे संशय खत्म हो जाते हैं और आदमी मोक्ष तक चला जाता है। बाकी भिन्न मंत्र जो हम रुद्र अभिषेक में इसमें रुद्र उपनिषद में पढ़ रहे हैं, इन मंत्रों में कोई इंडिविजुअल मंत्र किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए, दूसरा किसी प्रॉब्लम के लिए है, एक ऐसा मंत्र नहीं जो हमारा उद्धार कर दे, क्योंकि संसार में तन के अलावा हमारा जो आत्मा का उदय है, आत्मा का जो आई मीन प्रशिक्षित होना है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बेशक रुद्र और सारे कृष्ण और ये सब एक ही शक्ति हैं, एक ही सत्ता के रूप अपने अपने डिपार्टमेंट सबके पास हैं, लेकिन मेरा कहना यह है कि जब इतने सारे मंत्र हमारे सामने हैं, इन मंत्रों में किस इंडिविजुअल विशेष को हम चयन करें ताकि हमारा आत्मिक कल्याण हो। देखिए आपने शायद धन्यवाद काला था, देखिए मैंने आपको बताया था कि इतने मंत्र किए दिए जाते हैं जिसकी जिसमें श्रद्धा हो, जिसको जो उपयोगी लगे वो करे, ठीक है ना। और विभिन्न विभिन्न प्रकार के समस्याओं के लिए भी मंत्र है, लेकिन मैंने आपको बताया था आठवें अनुवाद का नमः शिवाय चा श्री उत्तराय चा मंत्र में बताया था आपको। मैंने ये भी बताया कि कुछ भी नहीं कर सकते हैं आपको, सबका पूरा जिस्ट जो है हृदय जो है इसका केंद्र बिंदु है वो ये पंचाक्षरी मंत्र है नमः शिवाय चा शिवतराय चा। और अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो केवल शिव शब्द कह लीजिए उसी में आपका है। तो आप जो संशय वाली बात कह रहे हैं, आप एक ही मंत्र को पकड़ लीजिए, सभी में रुद्र रूप है। आपको जो पहले ही बताया था मैंने, जो भगवान जो आपके गुरु ने कोई मंत्र दिया तो वो भी शिव रूप है, रुद्र रूप है। तो नमः शिवाय शिवाय जो पंचाक्षरी मंत्र है, ये मंत्र है मैंने आपको बताया था शायद आपका जी जी, ये जो हाँ जी जी, तो ये तो इतने मंत्र जो दिए हुए हैं वेदों में, तो देखिए ऐसा है ना कि ये ऋग्वेद में इतने मतलब फिर तो एक ही शब्द कह दिया जाता, वेदों में 100,000 मंत्र जैसे हैं, उसमें 80,000 तो कर्म कांड के लिए हैं और उसमें फिर 16,000 ज्ञान कांड के, 4,000 कर्म उपासना और ज्ञान, देखिए तीन चीजें हैं कर्म उपासना और ज्ञान, ना तीनों का अपना अपना महत्व है। कर्म भी आप जब मानो जब धारण किया है तो कर्म भी करना पड़ेगा, और कर्म किए बगैर नहीं रह सकते हैं, उपासना भी है, और फिर
अल्टीमेटली ज्ञान में जब तक नहीं होगा आपको, तब तक आपका कुछ नहीं होगा। तो ये सीढ़ियां हैं, अलग अलग सीढ़ियां हैं। मंत्रों का तो ये है, मंत्र तो तमाम है, मंत्रों में जो भी आपको अच्छा लगे वो मंत्र आप चयन करिए। मैंने मैंने आपको जो बताया ना कि इसमें जस्ट जो है जो कुछ भी नहीं कह सकता है वो शिव शिव भी कहेगा तो भी कल्याण हो जाएगा। कुछ भी नहीं आता तभी शिव शिव कहने से या नमः शिवाय कहने से। ये साहब ये जो मंत्र मंत्र जो कहे हैं सब है, ये ज्यादातर तांत्रिक इसका उपयोग करते हैं क्योंकि नहीं, नहीं। हम लोग के लिए गृहस्थियों के लिए तो ये बड़ा मुश्किल है कि इतने सारे मंत्र रोज करे सुबह डबल रिटायरमेंट होने के बाद भी जीवन में इतने व्यस्त इतने काम कर्म होते हैं कि थोड़ा बहुत जैसे कालरा साहब ने संक्षिप्त में बोला भी कम 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 चीज में कहां से किया जाए। तो क्या ये सारे रुद्राक्ष मंत्र क्या तांत्रिक ज्यादा उपयोग करते नहीं? कतई कतई नहीं, मैं बता रहा हूँ। देखिए वेदों के जो मंत्र हैं, वेद मंत्र कोई भी वेद मंत्र तांत्रिक नहीं है। तांत्रिक आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? ऋषि साहब, ऋषि साहब आपको आवाज पहुंच रही है हमारी? हाँ जी हाँ जी पहुंच रही है। वेद के कोई भी मंत्र तांत्रिक मंत्र नहीं है, ये आप अच्छी तरह समझ लीजिए। लेकिन ये रुद्राक्ष तो ये वेद मंत्र नहीं है, पक्की बात नहीं वेद मंत्र है। अरे अरे आपने तो आपने सुना ही नहीं इसके मानी पहले। मैंने बताया था आपको कि ये जो है कृष्ण यजुर्वेद की तैतरीय संगता से लिए गए हैं। कृष्ण यजुर्वेद के सभी मंत्र हैं रुद्रम के, ये सभी 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 मंत्र जो है ये वेद के मंत्र है, कोई भी वेद से अलग मंत्र नहीं है ये, नंबर वन। और ये कृष्ण यजुर्वेद के तैतरीय संगता में दिए हुए हैं, आप इसको देख लें और सभी मंत्रों को समझ लें। दूसरा ये है कि वेदों के कोई भी मंत्र, नॉट ओनली दिस रुद्रम, वेद के कोई भी मंत्र जो है वो तांत्रिक मंत्र नहीं है। तांत्रिक मंत्र क्या होते हैं? कीलित होते हैं, उनका जो है उत्कीलन करना पड़ता है तब फलीभूत होते हैं। जैसे आप दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं तो उत्कीलन मंत्र पढ़ते हैं, फिर साफ विमोचन मंत्र पढ़ते हैं, फिर अर्गला पढ़ते हैं, तब जाकर के आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। तो जो इस तरह के जो तांत्रिक शक्ति वाले जो मंत्र होते हैं वो जो है कीलित होते हैं, वो तांत्रिक मंत्र होते हैं। सबसे बड़ी विशेषता इन वेद मंत्रों में यही है कि आपको कोई विधि विधान करने की जरूरत नहीं है, ना कोई आपको अनुष्ठान करने की कोई जरूरत है। आप किसी भी समय किसी भी अवस्था में इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं, ना आपको उत्कीलन करने की जरूरत है, ना कोई तांत्रिक क्रिया करने की जरूरत है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक 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 है। और सब पूरे मंत्र मत पढ़े आप नहीं पढ़ सकते तो मत पढ़िए। मैं तो कह रहा शिव कहिए केवल, आप नमः शिवाय कह लीजिए आप। तो आपकी जितनी श्रद्धा हो जितनी शक्ति हो, मैं तो खैर पूरे 11 अनवा के रोज पाठ करता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, 15 मिनट लगता है हमको, 15 से 20 मिनट लगता है हमको। तो ये तो आपकी अपनी क्षमता अपनी सामर्थ्य अपनी श्रद्धा पे डिपेंड करता है कि कितना आप पढ़ते हैं क्या नहीं पढ़ते हैं। मेरा तो विषय ये है कि मैं आपको उसके महत्व को बताऊं। सर एक सर मेरा प्रश्न है जी, अभी शुरू हुआ है दिमाग में कुछ दिन से। जी जी बताए। और वो सर ये है कि मेरे गुरु ने, मेरे गुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती हैं शंकराचार्य जी, तो मुझे उन्होंने गुरु मंत्र दिया था जी, वो ओम नमः शिवाय दिया था जी, गंगा जी में खड़ा करके बीच में ले गए थे मुझको अपने साथ, और वहां सब मेरा उन्होंने गुरु दीक्षा की। अभी पिछले हफ्ते से मैं ऐसे बैठा हुआ था, जब मैं चैम्बर में अचानक कोई सी बात चल पड़ी, जैसे मैं आपके मैं सब ये अटेंड करता हूँ, समय अच्छा लगता है, धार्मिक प्रवृत्ति थोड़ी सी, तो उसमें किसी ने मुझे ऐसे बताया बात करते करते कि आप जो ओम नमः शिवाय का जवाब जाप करते हो वकील साहब, ये ओम नमः शिवाय तो दूसरों के जाता है, टॉपिक चल रहा है ये, ओम नमः शिवाय का जो आप जाप करते हैं ये जाप तो दूसरों के लिए जाता है, दूसरों का कल्याण होता है, खाली आप ओम ओम शिवाय करो, ओम शिवाय जितना रट सकते हो जितना बार बोल सकते हो, कोई लिमिट नहीं है उसकी। आपके गुरु ने आपके गुरु ने क्या बताया? उन्होंने ओम नमः शिवाय बताया था। आप उसी पर रहिए, आप देखिए दुनियादारी मत पढ़िए, बता दूं मैं आपको, आपको लोग भ्रमित करेंगे, आपका मन को डाइवर्ट करेंगे। देखिए ये पंचाक्षरी मंत्र जो है ओम नमः शिवाय है, नमः शिवाय है, वैसे ओम तो प्रणव है, ओम तो जैसे किसी के नाक आगे सी लगा देते हैं, आदर सूचक लगा देते हैं, वो ओम है। आप नमः शिवाय तो कह सकते हैं लेकिन नमः शब्द नहीं हटा सकते हैं आप। जिसने भी बताया बिल्कुल गलत बताया है आपको और आपको भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है। आपके गुरु पर श्रद्धा रखिए ना, जिस गुरु ने आपको ये मंत्र दिया है, इतना महान मंत्र दिया है,
उस गुरु को भी नमन करता हूं मैं और आपको भी प्रणाम करता हूं जो आपने मंत्र को आप पढ़ रहे हैं। लेकिन आपको जो गुरु की जो है, हमने बताया ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, और मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो जो गुरु का वाक्य है वही आपका कल्याण करेगा। तो जो जो उसने बताया है उसको, उस पर आप कायम रहिए। नम शिवाय, ओम नम शिवाय एक ही बात है। ओम शिवाय जो है मंत्र, वो पूरा मंत्र नहीं है, वो अधूरा मंत्र। मिसगाइड करने के लिए जैसे लोग बात करते हैं, धार्मिक बातें चलता है कभी कभी। देखो ऐसा है ना, हर एक की अपना अलग अलग सोच है, अलग अलग उनका वो है, अलग अलग उनका अध्ययन है। तो कहीं पे अब जैसे निर्मल बाबा के पास जाएंगे तो वो आपको समोसा खिला के आपकी समस्या का समाधान कर देंगे आपको। जी जी। तो आप कहेंगे भैया क्यों ओम नमः शिवाय क्यों पढ़ते हो, आप समोसे की चटनी खा लीजिए जाकर के वहां पर निर्मल बाबा के दरबार में जाकर के। जी जी। तो आप अपने ऊपर विश्वास रखिए ना, अपने गुरु पर विश्वास रखिए ना। महामृत्युंजय जब पढ़ता हूँ मैं, महामृत्युंजय प्रोनाउंसिएशन है वो ये है कि ओम 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 जूम सह ओम भूर भुवः स्वः तस्सत् इतुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम होम। तो कहते हैं कि इसमें आप मतलब पांच बार, एक जो मुझे जिस शास्त्री जी ने सिखाया था बहुत साल हो गए, करीब 35-40 साल करीब हो गए थी, उन्होंने कहा था कि इसमें पांच बार आपको ओम आना चाहिए। देखिए ये तो आगे जो है ना ब्याहुतियां लगा देते हैं, जैसे कहते हैं ना सब बहम है, ये जो है ब्याहुतियां लगा देती हैं। तो जो वेद में जो मंत्र दिए हुए हैं, वेद का जो है जो जिस हिसाब से दिया गया उस हिसाब से पढ़ना चाहिए। जब कोई आप जब अनुष्ठान कराते हैं, जैसे आप जो बता रहे हैं ना कि ओम झूम सा लगा देते हैं, जब कोई अनुष्ठान कराते हैं, जब कोई आप, तो उस समय ये ब्याहुतियां लगा करके मंत्र का जो है वो हम जाप करते हैं। वैसे आप दैनिक दैनिक में जो है ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिं पुष्पवर्धनम् उर्वारुकम् वदनान् मृत्योर्मुच्छयेमामृतात्, यही कह सकते हैं, इतना ही कह सकते हैं आप। और उसके बाद भी है, देखिए अलग अलग ढंग है उसमें, ठीक है ना। तो जैसा भी जिसकी श्रद्धा हो, जैसा भी हो, लेकिन आप विश्वास से करिए, जो भी करिए आप। नहीं तो मुझे आप, मेरे तो जबान से वही निकलता है ओम 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 जूम से। हाँ तो ठीक है, वो आप करिए आप, ओम सन्नि पुष्टि वर्धनम् रोम जूम से होम ओम, वही निकलता है मेरे मुंह से, मतलब वही करिए आप। जो आपको महात्मा से मेरे वही निकलता है, मैं रात को बोलूं, दिन में बोलूं, कभी भी बोलता हूं, भगवान तो भाव को देखते हैं वैसे भी। बस 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 वही बस है, वही वही है। चलिए काला साहब, दो सब धन्यवाद कीजिए काला साहब के लिए। काला साहब जी 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 जी, डीएम अग्रवाल साहब ने आज अपने इस सीरीज का पांचवा एपिसोड लिया है, पांचवी क्लास ली है। मंत्रों का उच्चारण बेशक अपने आप बहुत कीमती है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत कुछ हमारा संवारने वाला है, लेकिन जिस मंत्र को हमने अडॉप्ट कर लिया, जैसे अग्रवाल साहब ने पूछा था कि ज्यादा मंत्र संशय पैदा होते हैं, तो आपका जवाब ये था कि जिस मंत्र को आपने उपयोगी समझा और एक बार आपने ले लिया है उसको निरंतर आप रखिए, वो अपने आप में कल्याण करेगा। तो बहुत अच्छा आपने सब उद्बोधन दिया है, और अग्रवाल साहब जिस तरह की आपकी शैली है, पूरी तरह से अपने विषय को आप कॉन्फिडेंटली पेश करते हैं, बहुत बहुत आपका आभार और धन्यवाद। आपने इस विषय को आगे बढ़ाया है और बहुत कुछ हमें को आपसे सीखने को इस तरह से मिलेगा, ऐसे भी आप आगे एनलाइटन हमको करते रहिएगा। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रोफेसर डॉक्टर अग्रवाल साहब, धन्यवाद, आदरणीय जी अग्रवाल साहब, आपने समय निकाल के समय किया, और जैसे कि विचार के साथ और तीन बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार है, मंजिलें बहुत हैं, अफसाने बहुत हैं, मंजिलें बहुत हैं, अफसाने बहुत हैं, राहें जिंदगी में इम्तहान आने बहुत हैं, राहें जिंदगी में इम्तहान आने बहुत हैं, मत करो गिला इसका जो मिला नहीं, मत करो गिला उसका जो मिला नहीं, इस दुनिया में खुश रहने के बहाने बहुत हैं, बहुत इस दुनिया में खुश रहने के बहाने बहुत हैं, बहुत अच्छा जो मिला उसकी का शुक्रिया। आइए तीन बार ओम का उच्चारण करते हैं। Oh.
शांति 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 शांति। Shanti Re Deva 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 Shanti Re